जो पीएम ने दिया है 4 लाख रुपया, तो हमारे तरफ से भी 25,000 रुपया सभी को मिलेगा। लेकिन हम तो ऊँट के मुंह में जीरे का फौरन, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हम ज़रूर आग्रह करेंगे कि मुआवजा बढ़नी चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा होनी चाहिए। लेकिन जो मंत्री ही करा सकते हैं, और आपके काबिल मंत्री हैं, ये जो चाहेंगे वो कुछ भी हो। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन से मुजफ्फरपुर में हुए 26 दिसंबर को बॉयलर ब्लास्ट को लेकर मुलाकात की, जहां पर पप्पू यादव ने इस विषय पर अपनी गंभीर चिंता भी जताई है। ऐसे में पप्पू यादव ने कई अन्य विषयों पर भी शहनवाज हुसैन से बातचीत की और उनसे आग्रह भी किया। साथ ही साथ पप्पू यादव ने इस बात की जानकारी भी दी कि जो मुजफ्फरपुर में बॉयलर ब्लास्ट हुआ है नूडल्स कंपनी में, वो बॉयलर बेहद पुराना था, उसका लाइसेंस भी खत्म हो चुका था। ऐसे में नूडल्स कंपनी का मालिक फिर भी उस बॉयलर का संचालन करवा रहा था और इस कांड के बाद वो अपनी हरकतों को छुपाने का प्रयास कर रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव ने अपनी गहन चिंता जताई है और इस मामले को गंभीरता से लिया जाए, इसको लेकर पप्पू यादव ने बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन से मुलाकात की है। साथ ही साथ क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने शहनवाज हुसैन से मिलने के बाद, और जब दोनों एक साथ नजर आए तब दोनों ने क्या कुछ बातें कही, दोनों की तरफ से क्या कुछ बातें रखी गई, पहले आप उस वीडियो को देखिए। और बनमनखी चीनी मिल, जो देश की सबसे बड़ी चीनी मिल थी, वहाँ एथेनॉल लगाने के लिए, और आलमनगर में गन्ना का इलाका है, वो वहाँ 30 एकड़ जमीन उपलब्ध हो जाता है, तो वहाँ एथेनॉल के लिए लगातार जो इनका प्रयास है, अभी पूर्णिया में खादी मॉल इन्होंने किया। मैंने मेनली हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो घटना घटित हुई, कई मामलों को लेकर शहनवाज हुसैन जी से क्या कुछ कहें। देखिए मेनली जो घटना इतनी बड़ी घटी, उसमें हमने पूरा प्रॉपर जो लगातार पहले से भी ब्लॉगर के बारे में उनको कहा जा रहा था कि इतने पुराने हो गए, और लगातार लोग उनको आगाह किया जा कर रहा था कि आप इसको बदलिए, और वो हमेशा नेगलेंसी बरतते चले गए। दूसरी बात कि लेबर कितने गए, वो रजिस्टर्ड कहाँ है, 600 लेबर गए भीतर में कि कितने लेबर गए, तो वो रजिस्टर्ड गायब है, अभी तक वो रजिस्टर्ड नहीं मिला। तो अब मंत्री जी ही बता सकते हैं कि जाँच खुद, इन्होंने एक ऐसा मंत्री हैं बिहार सरकार में, जो मुझको लगता है कि कोई भी घटना में, अपने विभाग की किसी भी घटना में सबसे पहले जाने वाले और अविलंब कार्रवाई करने वाले मंत्री हैं, जो मैं समझता हूं। तो मुझको लगता है कि अभी मैं जा रहा हूं, आज मिलना था, मैंने पहले ही कहा कि मैं मुजफ्फरपुर जा रहा हूं, और उसमें सारी रिपोर्ट आकर के मैं इनको दूंगा दिल्ली में। 30 तारीख को ये दिल्ली चले जाएंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट था कि SIT जांच, पहले ही मैंने फ़ोन पर बातचीत की थी, तो खुद ही ये बताएंगे आपको कि इनके आदेश पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, वो भागे हुए हैं। और मैंने कहा है कि ऐसा नहीं कि राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त हो जाए, तो दो रिक्वेस्ट किया है इनसे कि और लोग मरे हैं, आप इसकी पूरी तहकीकात कर लीजिए। मेरी नॉलेज में है कि कुछ और लोग कैजुअलिटी हैं, तो मंत्री जी ही बताएंगे, क्योंकि वो जो रजिस्टर्ड है जिससे लेबर भीतर जाता है, वो रजिस्टर्ड नहीं मिलता। जो PM ने दिया है 4 लाख रुपया, तो हमारे तरफ से भी 25,000 रुपया सभी को मिलेगा। लेकिन हम तो ऊँट के मुंह में जीरे का फौरन, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हम ज़रूर आग्रह करेंगे कि मुआवजा बढ़नी चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा होनी चाहिए। लेकिन जो मंत्री ही करा सकते हैं, और आपके काबिल मंत्री हैं, ये जो चाहेंगे वो कुछ भी हो। ऐसे में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने मिलकर कई विषयों पर चर्चा की, उन दोनों की मुलाकात हुई, जहां पर पप्पू यादव ने बॉयलर ब्लास्ट को लेकर अपनी चिंता जताते हुए शहनवाज हुसैन से इस बात का अनुरोध किया कि वो इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाए, ताकि मरे हुए लोगों की सही जानकारी प्राप्त हो सके, कितने मजदूरों की मौत हो गई इस ब्लास्ट को लेकर, उसकी सही संख्या सामने आए। और साथ ही साथ पप्पू यादव ने कई अन्य विषयों पर भी शहनवाज हुसैन से आग्रह भी किया है। ऐसे में फिलहाल के लिए इतना ही।
कहीं न कहीं अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फाउंडेशन में। नमस्कार।